आपका क्वेश्चन है, कैन द नंबर 8 टू द पावर ऑफ एन, एन बीइंग अ नेचुरल नंबर एंड विद द डिजिट 0, गिव रीजन। तो देखो इसने क्या बोला है, इसने बोला है 8 टू द पावर ऑफ एन। ठीक है, अगर आप एन की वैल्यू नेचुरल नंबर्स में डालते हैं तो क्या आपका ऐसा कोई नंबर आएगा जिसके अंदर आपका यूनिट प्लेस 0 होगा? तो आपको चेक करके बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एन इज इक्वल टू 1, है ना? नेचुरल नंबर्स हमारे क्या होते हैं, 1 टू इन्फिनिटी, 0 नहीं होता, 0 इज अ होल नंबर। तो 1, तो ये हो गया आपका 8 टू द पावर ऑफ 1, दैट इज इक्वल टू 8। फिर आपको डालना है एन इज इक्वल टू 2, है ना? तो ये हो गया 8 स्क्वायर, तो 8 इंटू 8 इज 64। नेक्स्ट एन इज इक्वल टू 3, तो ये हो गया 8 क्यूब, है ना? तो देखो 8 क्यूब का मतलब है 8 इंटू 8 इंटू 8, 3 टाइम्स 8 को मल्टीप्लाई करना है। तो 64 इंटू 8 करेंगे तो हमारा आ जाएगा, तो 8 फोर जा 32, 3 कैरी। 8 इंटू 6 इज 48 प्लस 3 इज 51। ठीक है, नेक्स्ट n इज इक्वल टू 4, तो 8 टू द पावर ऑफ 4। तो अब 512 को अगेन 8 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 इंटू 2 इज 16, 1 कैरी। 8 इंटू 1 इज 8 प्लस 1 इज 9। 8 इंटू 5 इज 40। ठीक है, नेक्स्ट अब आपको करना है n इज इक्वल टू 5। तो ये देखो 8 टू द पावर ऑफ 5 हो गया, तो 4096 को 8 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो क्या आ रहा है, 8 इंटू 6 इज 48, 4 कैरी। 8 इंटू 9 इज 72 प्लस 4 इज 76। 8 इंटू 4 इज 36। ठीक है, अगर इसके आगे आप लेंगे n इज इक्वल टू 6, तो अगेन 8 इंटू 8 64, यहां से फिर से शुरू हो जाएगा। तो आपका देखो क्या क्या आ रहा है, यूनिट प्लेस में 8 है, 4 है, 2 है, 6 है, अगेन 8 है। दैट मीन्स क्या होगा, 8 टू द पावर ऑफ n वी विल गेट अ यूनिट डिजिट एज 8 टू द पावर ऑफ n वी गेट यूनिट डिजिट एस 8, 4, 2 एंड 6 ओनली। ठीक है, तो यही आपका आएगा, तो हमारा 0 नहीं आ रहा है, तो वी विल नॉट गेट 0।